न्यूज क्लिक में आप सभी का स्वागत है। आज हम अचल मिश्रा के साथ बातचीत कर रहे हैं। अचल मिश्रा की अभी रिसेंटली एक फिल्म धुई नाम से आई है, मैथिली फिल्म है, मूवी पर स्ट्रीम हो रही है। इससे पहले अचल की आप लोगों को याद होगा गामक घर नाम से एक फिल्म आई थी, जिसको काफी ज्यादा एक्लेम किया गया था। वो भी मैथिली फिल्म थी और वो थोड़ी बड़ी पिक्चर थी। और धुई 50-55 मिनट की फिल्म है। गामक घर घर के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं तो उसमें ये था कि एक परिवार जो कि अपने गांव के घर में, गामक घर बेसिकली गांव का घर इसको हम कहते हैं, तो उस घर में जमा हुआ है और उसके साथ सारे त्योहार भी हैं और फैमिली का जो एक इनर कॉन्फ्लिक्ट एक तरह से होता है और नॉस्टैल्जिया और ये सारी चीजें जो कि हम बात करते रहते हैं कि एक परिवार शहर में जाकर बस गया है फिर गाँव में जमा हो रहा है, तो वो एक बिहार के गाँव की कहानी थी। धुई जो है वो एक दरभंगा का ही लड़का है, उसके सपने हैं कि वो मुंबई जाकर एक्टर बनना चाहता है, तो दरभंगा से लेकर आरामनगर या वर्सोवा तक का जो सफर है वो सफर तय करने के बीच में कितने संघर्ष हैं, परिवार का क्या स्ट्रगल है, पैसे के क्या क्राइसिस हैं, इस सब को लेकर फिल्म बात करती है। अचल से हम बात करेंगे इस फिल्म के बारे में। अचल बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात करने को राजी हुए। हम शुरू करते हैं। पहला बिल्कुल सवाल मेरा अचल आपसे यही है कि धुई के बारे में बताइए कि कहाँ से इसका एक तो जिसे कहते हैं आइडिया कहाँ से आया, और क्या ये जो करेक्टर है पंकज जो है जो कि अभिनव झा ने प्ले किया है, वो क्या अचल मिश्रा की जिंदगी से रिलेट करने वाला करेक्टर है, क्या अचल की भी जर्नी वैसी ही रही थी? मेरे जैसा तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि ये शुरू हुआ था मेरे एक दोस्त प्रशांत राणा से। मतलब ये एक तरह से उसी की कहानी है काफी हद बिल्कुल तक। मतलब हाँ, जो इस फिल्म में भी है, एक छोटा पार्ट प्ले कर रहा है प्रशांत। तो ये बात होगी आई थिंक 2020 के नवंबर की, जब हम लोग प्रशांत ने एक छोटा कैरेक्टर गामक घर में भी प्ले किया था। तो हम लोग 2020 के नवंबर में कुछ प्रमोशंस कर रहे थे लोकली दरभंगा में गामक के लिए, तो हम हर दिन मिलते थे और दिन भर काम करते थे। तो उनमें से एक दिन प्रशांत ने मेरे को बोला कि वो कल नहीं आ पाएगा, क्योंकि कल उसे अपने बाबूजी को जॉब के लिए लेके जाना है। तो मैंने बोला हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और फिर अगले दिन जब वो शाम में आता है तो वो काफी स्ट्रांगली फील कर रहा था उस बारे में, उसके साथ जो भी उस समय घट रहा था, क्योंकि वो भी एक एक्टर है और वो खुद भी मतलब दिल्ली जाना चाह रहा था, बॉम्बे होके आ चुका था एक बार। तो वहां से कहीं से ये शुरू हुआ। मैंने प्रशांत को बोला कि तुम कुछ कुछ भी लिख दो जो भी तुम्हें फील हो रहा है इस पे, और ये बोल के मैं भी बॉम्बे आ गया था। और ये उस समय का टाइम है जब गामक आ चुकी थी और मैं खुद भी फिगर आउट कर रहा था कि दूसरी फिल्म क्या बनाऊंगा, और उसी के चक्कर में ज्यादा ही प्रेशर ले रहा था अपने आप पे एक दूसरी फिल्म बनाने का। तो उसी दौरान बॉम्बे में मैं आनंद से मिला, जो सिनेमाटोग्राफर है गामक का भी और धुई का भी। तो उसको मैंने बताया इसके बारे में, फिर अभिनव को बताया, और हम तीनों बस मतलब दरभंगा पहुंच गए करीब 10-15 दिन बाद। सब कुछ इतना स्पॉन्टेनियस था कि 10 दिन में मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी होगी जो 5 पेज की थी, प्रशांत के साथ ही बैठ के। और हमने बेसिकली वो क्योंकि वो इमेज जो है वो फादर और सन का, वो बाइक पे सुबह जाते हुए, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था। तो हमने उस इमेज तक की जर्नी ट्रेस करी उससे 2-2.5 दिन पहले तक इसे, और ये करते हुए एक बहुत ही बेसिक स्केलेटल 5 पेज सी स्क्रिप्ट लिखी। फिर अभिनव और आनंद आए और हम करीब 15-20 दिन लेके हमने ये शूट किया। और वो शूट भी मतलब बहुत ही ऑन द गो, विदाउट एनी मतलब कोई क्रू नहीं था, बस हम 3-4 लोग थे। कास्टिंग भी सब वहीं पे, हम लोग जैसे जैसे शॉर्ट्स आ रहे हैं वैसे वैसे करते जा रहे हैं, और एक बहुत ही एक एक फ्रीडम के साथ किया जो मतलब बहुत रेयर है अब मेरे को लगता है, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ भी वो नहीं था हमारे ऊपर, मतलब कि हम क्या बना रहे हैं, फीचर है शॉर्ट है, उस टाइम कुछ क्वेश्चन नहीं किया था, बस हम रिस्पॉन्ड करते जा रहे थे चीज़ों को। और उसी के दौरान मतलब हम अपना प्रोसेस भी, फिल्म का विजुअल लैंग्वेज भी, सब कुछ, कैरेक्टर भी, सब समझ ही रहे थे। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग कुछ शूट करते, शाम में आते देखते कि ये वर्क कर रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है, या फिर अगर नहीं कर रहा है तो अगले दिन जाके फिर कुछ और कोशिश करेंगे। तो हमारे पास ये फ्रीडम था, ये फ्लेक्सिबिलिटी थी हमारे शेड्यूल में, हमारे मतलब पूरे ओवरऑल प्रोसेस में, कि हम ये चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर पाए। और
सीन्स के उसमें भी कि मतलब हम सीन्स कुछ ऐड करते थे, कुछ डिलीट करते थे, और कंटिन्यूअस एक इम्प्रोवाइजेशन चलता रहता था। तो इस पूरे प्रोसेस में मतलब हमने 15-20 दिन ला के ये फिल्म बनाई, और आई थिंक बहुत कुछ मतलब बहुत तरीके से जिसको कहते हैं कि मतलब थिंकिंग बाद में आई, उस टाइम हम लोग कर देते थे जो लगता था कि हाँ ये ठीक लग रहा है, शायद ये ठीक नहीं लग रहा, और फिर उस पे बाद पे सोचना कि इसमें ये जम रहा है, इसमें ये, ऐसा बहुत हुआ क्योंकि शूट कर लिया था फिर भी हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं था कि हमने क्या बनाया है, कितना फुटेज है हमारे पास, और फिर वो सब फिल्म एक तरह से दोबारा से बनी एडिटिंग में। तो एडिटिंग में उसको फिर दोबारा से शेप किया कि मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थे हर एक सीन के कि वो किधर भी जा सकता था, स्पेशली वो शाम वाला सीन जो है, जो शिशिर और ये फिल्म मेकर्स ये बैठे हैं, राइट। रिले वाला सीन जो हाँ जी, हाँ जी। तो आई थिंक ये ओवरऑल प्रोसेस था, और ये मतलब प्रशांत से ही जितना मतलब प्रशांत से ही ज्यादातर आया। जी आपकी जर्नी क्या रही? अच्छा मैंने पढ़ रहा था, मैं फेसबुक पर ही आपके, कि आप किंग्स कॉलेज में पढ़े हैं, हाँ जी। तो क्या आपका रहा था, मतलब बचपन आपका दरभंगा में बीता है या नहीं बीता? आप वो या वो वाले हैं जो साल में एक बार गांव जाते हैं शादी में या कभी, मतलब नहीं, मेरे तो मैं फोर्थ वही क्लास तक दरभंगा में था। मम्मी पापा अभी भी वहीं रहते हैं, बट उसके बाद फोर्थ के बाद मैं बोर्डिंग स्कूल्स में था इधर उधर, तो घर जाना तो मतलब लगा ही रहता था हमेशा। फिर मैं 11वीं 12वीं में ही शॉर्ट फिल्म्स बनाने लगा था, तो पता था कि फिल्में ही बनानी है शायद आगे जाके। 12th के बाद मैंने एक छोटा सा मैं इंटर्न एडी था, तलवार नाम से एक फिल्म है उसमें मेघना गुलजार। मेघना गुलजार, मेघना गुलजार ने जो बनाई है, वो किया। और उसके बाद फिर मैं किंग्स कॉलेज में था कुछ टाइम के लिए, करीब 1 साल, जो टाइम मतलब मेरे लिए पर्सनली बहुत लर्निंग का था सिनेमा के टर्म्स में स्पेशली, और वो लंदन में होने के कारण, क्योंकि किंग्स कॉलेज में पढ़ने के कारण मैं बिल्कुल BFI जो है, जो ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट है, उसके उससे 10 कदम दूर रहता था। तो वहाँ पे मतलब सिनेमा देखना और उनकी लाइब्रेरी और ये सब का जो एक्सेस था, तो लंदन में करीब मैं हर दिन एक फिल्म देखता ही था, और वहीं पे शायद मैंने अपने सारे जो भी मेरे फेवरेट फिल्म मेकर्स हैं वो उनको डिस्कवर किया होगा उस फेज में। बट कॉलेज की पढ़ाई उतनी नहीं जम रही थी क्योंकि फिल्में यहीं आके बनानी थी हमेशा, फिल्में बनानी थी क्योंकि वो फिल्म स्टडीज का कोर्स था, फिल्म मेकिंग नहीं, जो कि मतलब प्रैक्टिकल नहीं, मतलब प्योरली थ्योरी था। तो वो छोड़ के मैं वापस आ गया और यहाँ पे फिर एक दो शॉर्ट फिल्में बनाई, और उसके बाद फिर 2018 में आई थिंक कामा घर हुई। तो ये रहा है यहीं लगभग। आकर, यहीं आकर बनाने का कोई मतलब, क्योंकि यहीं आकर तो आप मुंबई में ही फिल्में बना ही सकते थे, और हाँ जी, मिथिला में ही जाकर या दरभंगा में ही जाकर फिल्म बनाने का वो पहले सोचा हुआ था, या फिर वो सबसे पहली कहानी वही आई जो अपने मतलब पर्सनल आप फील कर रहे थे? सबसे पहले वही आई, मतलब काफी नेचुरली ही हुआ, ऐसे सोच के नहीं किया था कि मतलब मैथिली में बनाना है या फिर मतलब अपने गांव जाके बनाना है। मतलब एक चीज ये समझ आई थी धीरे धीरे कि शायद जो चीजें मैं फर्स्ट हैंड जानता हूँ उनके बारे में मैं बेहतर कह सकता हूँ, एक जो चीजें मैं नहीं जानता, जो मेरे लिए मतलब डिस्टेंट है, उन चीजों को मुझे समझना पड़ता है और जानना पड़ता है। तो जो फर्स्ट हैंड वाली चीजें थी वो मेरे को और नेचुरली आती थी। तो गामक घर से पहले भी जब भी मैं वहाँ गांव जाता था तो मैं सोचता रहता था और एक दो लोग को बोलता भी था कि शायद कभी मैं यहाँ पे एक फिल्म बनाऊंगा, और किस तरह की फिल्म होगी वो भी मैं बताता था। बट जिस टाइम गामक हुआ था वो बहुत नेचुरली हुआ कि हमने उस टाइम पे हम कुछ और लिखने का प्लान कर रहे थे, बट अचानक से हुआ कि वो घर रेनोवेट होने वाला था, तब सोचा कि मतलब कुछ बना लेते हैं यहाँ पे जिसमें मतलब वो घर रह जाए किसी तरीके से। और शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में ऐसे ही सोचा था कि बस वो बैकड्रॉप होगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, कि वो एक फिल्म में मतलब रह जाएगा घर बदलने से पहले। बट फिर जैसे जैसे लिखते गए तो रियलाइज हुआ कि फिल्म बना ही क्यों रहे हैं, घर के कारण बना रहे हैं, तो घर के ऊपर ही बना देते हैं। वो वहां से आया। और ये मतलब यहाँ वापस आके फिल्म बनाने वाला, मतलब आई थिंक
जो फिल्में मैंने देखी है, जो फिल्म मेकर्स को मैंने देखा है, शायद वहां से भी आता है कि जिस टाइप का सिनेमा मैं देख रहा था वो सब इतने पर्सनल फिल्म मेकिंग थी, तो मुझे भी लगता था कि मतलब मुझे भी शायद ऐसा कुछ करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। और एनीवे मतलब वहां पे बहुत डिस्टेंट फील होता था कि मतलब यहाँ पे मैं नहीं शायद सिनेमा बना सकता हूँ, स्पेशली लंदन में रहते हुए। तो लंदन में रहते हुए भी मैं बनाता तो एक बिहारी जो लंदन पढ़ने आया हुआ है उसके बारे में ही बना पाता। हाँ, तो कैसी है बॉलीवुड इंडस्ट्री? कैसी है? बहुत हंगामा चल रहा है, मतलब एक आउटसाइडर के लिए, क्या आप एकदम आउटसाइडर ही हैं? तो ये अभी भी हम सवाल तो जिस भी नहीं मैं जिस भी नए फिल्म मेकर मैं से तो बात करता हूँ, उनसे हाँ कोशिश करता हूँ जानने की कैसा ट्रीट कैसा करते हैं, मतलब आउटसाइडर्स को या बाहर के फिल्म मेकर्स को जो कि नए लोग आ रहे हैं उनको। मतलब मैं पता नहीं कैसे जवाब दूं इसका, क्योंकि मतलब मैं अभी पूरा ही आप, आउटसाइडर हूँ। मैं तो हाँ मेरा तो एग्जैक्ट कुछ ऐसा लेना देना भी नहीं है जिसको आप बॉलीवुड बोले उनसे ना। गामा घर भी बिल्कुल ही मतलब बाहर रह के ही उस सिस्टम से बनाई, और धुइन भी एक तरह से। जी बट ऑब्वियसली मतलब एक जो सपोर्ट मिलता है सोशल मीडिया के थ्रू ही, वो अच्छा रहा है हमारे लिए, मतलब गामक के टर्म्स में भी। क्योंकि गामक का जब हमने ट्रेलर रिलीज किया था, वो आई थिंक पंकज त्रिपाठी ने जब शेयर किया, और बॉलीवुड के कुछ मतलब फिल्म वाले लोग ने जब शेयर किया, तो उससे हमारा मतलब काफी ज्यादा एक बस बन गया था उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली एक वो उस लेवल पे एक सपोर्ट रहा है, बट उससे ज्यादा मेरा कोई मतलब एज सच वो नहीं रहा इंटरेक्शन की मैं आपको बता पाऊँ कि कितना आउटसाइडर हूँ मैं कितना नहीं। अभी क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या हैं, किस पर काम कर रहे हैं आप, अगर थोड़ा? तो अभी एक दरभंगा में एक और फिल्म शूट करी है हमने, ये और ज्यादा दरभंगा के बारे में शायद। अभी दिसंबर जनवरी में ही हमने शूट किया, और ये और लंबी फिल्म है, धुन से तो काफी लंबी है, शायद गामक से भी लंबी हो। तो ये मूवी का नहीं तो है? वो है, वो तो अभी नहीं पता, अभी मतलब अभी तो जस्ट शूट किया है हमने, तो 3-4 महीने 5 महीने एडिट वेडिट करेंगे हम उसे, फिर देखा जाएगा। तो मूवी तो मतलब सबसे एंड में आता है जब मतलब रिलीज की बात होती है। तो मेरा ये सवाल आपसे एक, मेरे ख्याल से आखिरी सवाल ये रहेगा कि हम अगर बिहार के सिनेमा की बात करते हैं तो भोजपुरी सिनेमा हमारे पास है, जिसमें कि उस पर कई बार फूहड़ता के इल्ज़ाम लगते हैं और बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी है, खराब गाने हैं वगैरह वगैरह। मिथिला के सिनेमा की अगर बात करें तो कंपैरेटिवली थोड़ा नया है, तो अगर आप ये बताना चाहें हमारे दर्शकों को कि भोजपुरी में या मिथिला में जो बिहार के लोग हैं या जो बिहारी फिल्में जो हैं या फिल्म मेकर्स हैं, तो वो कौन से आपको लगता है कि इस समय पर अच्छे फिल्म मेकर्स हैं, इनको देखा जाना चाहिए, या फिर अच्छी फिल्में उतनी हैं नहीं? दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं अगर आप फॉलो करते हैं तो, अगर आप बताना चाहें। एक तो वही कि मतलब जिस जिस भोजपुरी और मैथिली सिनेमा की आप बात कर रहे हो, वो मतलब वो फिर बहुत अलग है। मैथिली सिनेमा भी बनता आया है कुछ टाइम से, बट मैं भी उतना परिचित नहीं हूँ उन फिल्मों से। तो इधर हम लोग जो फिल्म बना रहे हैं, मतलब मैंने जो बनाई है, वो आई डोंट थिंक उन मैथिली फिल्म के साथ किस एग्जैक्टली तरह से कैटेगराइज होगी। क्योंकि मैं भी उस लेबल के साथ फिल्म नहीं बनाता कि मैं मैथिली फिल्म बना रहा हूँ। अगर आप धुइन भी देखेंगे, धुइन में मतलब आई थिंक 20% 30% मैथिली है बस, बाकी सारा हिंदी है। ठीक है, गामक में भी धीरे धीरे करके मैथिली कम हो जाती है, और शायद अगले फिल्म में भी मैथिली कम होगी। तो मतलब मैं वहां पे फिल्म बना रहा हूँ, और वहां पे जो लोग मैथिली बोलते हैं उतना ही मैथिली होता है शायद मेरे फिल्म में। तो मैं उस लेबल के साथ तो कभी फिल्म नहीं बना रहा होता कि मैं मैथिली फिल्म बना रहा हूँ। और मतलब और भी काफी लोग हैं जो हमारे आसपास जो अब फिल्में बना रहे हैं, जिसमें मतलब और वो वैसे ही होगा कि उसको आप मैथिली फिल्म नहीं बोलेंगे, उसमें आप बोलेंगे कि मतलब ये फिल्म है जिसमें मैथिली भाषा का इस्तेमाल हुआ है, या फिर वहां का, वहां पर बेस्ड हाँ, या फिर वहां पे बेस्ड है। तो वो एक तरह का नया सिनेमा रहेगा ऑब्वियसली। ये है कि क्योंकि वहां पे कोई एज सच इस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है, जहाँ पे वहां के सिनेमा के लिए, और फिर उसका आउटपुट भी आप कहाँ लेके जाओगे, क्योंकि कोई थिएटर्स नहीं है। ठीक है, पूरे मतलब मिथिला रीजन में आई थिंक एक या दो थिएटर बचे हैं, दरभंगा में एक ही थिएटर बचा है। तो वो समस्या है। तो इसलिए मतलब हमारे जैसे ही फिल्म मेकर्स हैं शायद जो मतलब बाहर से आते हैं। थैंक यू सो मच अचल हमसे बात करने के लिए। हम लोग न्यूज़ क्लिक पर और भी फिल्म मेकर्स के इंटरव्यूज हम करते रहते हैं, विनय शुक्ला से हमने बात की थी अभी, होपफुली आने वाले दिनों में शौनक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये है,
बाकी आपको जैसा भी लगा हो बात करके आप बता दीजिए, और नहीं थैंक कुछ भी अगर आप यू। जोड़ना चाहते हैं कुछ भी बात करें। नहीं धुन हमारी फिल्म मूवी पे अभी प्ले हो रही है तो आप वहां देख सकते हैं उसे।